हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 जनरल इंग्लिश सेशन 2022-23 का जो फाइनल एग्ज़ाम का आपका पैटर्न आया है कि क्या आपके किस चैप्टर से कितने मार्क्स का काम आएगा, किस पार्ट से कितने मार्क्स का काम आएगा, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम सारे सिलेबस जो है प्लस टू के कवर करेंगे। तो इसके लिए प्लीज़, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करना। आपके वहां पे जो पंजाब बोर्ड के अपडेट्स वगैरह होती है आपको फटाफट मिल जाती है, और जो आपको पीडीएफ वगैरह भी एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के देने होते हैं वो भी मैं वहां पे दे देती हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो एक बात और है बेटा, जो 11th के स्टूडेंट्स हैं और उनका पैटर्न और 12th के स्टूडेंट्स का पैटर्न सेम है फाइनल का। ठीक है, आपका पेपर इसी तरीके से फ्रेम होगा 11th वालों का भी, तो आपने भी ये ध्यान से देख लो कि आपके किस तरीके से आपने फाइनल पेपर की तैयारी करनी है। फर्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर देखें, सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका 16 मार्क्स का काम आएगा। ठीक है, बहुत इजी है ये 16 मार्क लेना। आपको एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसको रीड करना है, और उसमें से वो कॉम्प्रिहेंशन आपका 200-250 वर्ड्स तक आएगा, जिसमें आपके 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके टोटल हो जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को मिला के आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। अब अनसीन पैसेज आपको एक और आएगा, जिससे आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो एक तरीके से फ्री मार्क्स है, बस इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो सेकंड पार्ट है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन के वर्ड्स थोड़े कम हो जाएंगे, 150-200 वर्ड है। इसमें आपको एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, 2 सिंगल लाइन के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगी। ठीक है, इस तरीके से मैच और टोटल आपका जो है ये 6 नंबर का आ जाएगा। सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में आपको जो है 26 मार्क्स का सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में आपको सबसे पहले एक पैसेज आएगा, कम से कम 150 वर्ड में लिखना होगा, 4 नंबर का। राइटिंग लेटर आएगा, वो 5 मार्क्स की। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल बिजनेस, ठीक है, तो ये सारे आप तैयार कर लेना। और नेक्स्ट है 3 मार्क्स की आपके न्यूज़पेपर हेडलाइन आएगी, ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश टू पंजाबी या हिंदी, या ट्रांसलेशन पंजाबी टू हिंदी और इंग्लिश, ये 2-2 मार्क्स की। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामर में देख लेते हैं। ग्रामर में आपका ये कितने टॉपिक है, 5 टॉपिक आएंगे। ठीक है, नरेशन, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यूज नॉन फिनिश्ड और डिटरमिनेंट। ठीक है, ये टोटल आपके 10 नंबर हो जाएंगे, ये सारे टॉपिक जो है आपके 10 नंबर के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सी में आ जाते हैं, लिटरेचर। लिटरेचर आपकी 38 मार्क्स की आएगी, जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। ठीक है, तो वो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इंटेंसिटिव स्टडी से 5 आएंगे और एक्सटेंसिव स्टडी से आपके 5 आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका, आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन स्टेंजा से होगा। ठीक है, पोएट्री पार्ट से। ठीक है, और ये 4 नंबर का आएगा, तो पोएट्री के स्टेंजा कर लेना आप लोग, और 2 स्टेंजा आएगा जिसमें से आपको 1 करना अटैम्प्ट करना होगा। इस तरीके से सेंट्रल आइडिया 2 आएंगे जिसमें से 1 करना होगा, ये आपका 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स यहीं पक्के हो जाएंगे, सेंट्रल आइडिया अच्छे से कर लो। आगे 3 करने, आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कम से कम 20-30 वर्ड में, ये आपका जो है 6 मार्क्स का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको, ये भी 20-30 वर्ड में करने होंगे, ये एक्सटेंसिव स्टडी से होगा। ठीक है, ये इंटेंसिव का था, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से भी सेम वैसे ही आपको क्या करने होंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे, सॉरी 3 में से 2 करने होंगे। ठीक है, एक्सटेंसिव से। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, सेम ऐसे ही इनमें इंटरनल चॉइस आएगी, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 1 करना होगा 3 मार्क्स का, इंटेंसिव स्टडी से, और एक्सटेंसिव से भी 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, और गुड हैंड राइटिंग आपके 5 मार्क्स के। बुक आपकी ये है जो कि आपकी पंजाब बोर्ड की बुक लगी है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट रिलेटेड आपको पैटर्न वगैरह डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस सब्जेक्ट के जो है पैटर्न आपके लिए ले आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।